नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग तीन चार एग्जांपल देख चुके थे एचटीएमएल का, आज हम लोग चलते हैं नए टाइप का एग्जांपल देखते हैं और जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम लोग फॉर्मेटिंग टैग का यूज, स्ट्राइक टैग का यूज करेंगे, फिर और बहुत सारे इसमें टैग हैं, सारे टैग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। जैसे हमने आपको एक टैग का नाम बताया था स्ट्राइक थ्रू, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, फ्रंट इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को हम लोग देखने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो आइए दोस्तों इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे काम करते थे सेम वैसे ही करेंगे। नोटपैड हमने ओपन कर लिया, नोटपैड ओपन करने का बहुत सारा तरीका हमने बताया ही था, बस वही मेथड आप लोगों को अप्लाई करना है और अपनी कोडिंग को शुरू कर देना है। ठीक है, तो हम लोग कोडिंग करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जैसे हम लोग कोडिंग स्टार्ट यहाँ पे करते हैं वैसे हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एचटीएमएल से हम लोग कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एचटीएमएल टैग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए भाई फटाफट, साइज छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, या साइज को आप जितने भी अपने मीडियम में रखना चाहते हैं साइज को आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डियर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एचटीएमएल टैग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टाइप करते हैं एचटीएमएल, एचटीएमएल टैग हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एचटीएमएल टैग ओपन कर लिया, तुरंत हम आ जाते हैं नई लाइन से आते ही तुरंत यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल टैग ओपन करने के बाद फट से यहाँ पे आते हैं डियर और बात करते हैं। सबसे पहले इसके बाद तुरंत हेड टैग ओपन कर लेते हैं, तुरंत यहाँ पे हम लोग हेड टैग इस्तेमाल करते हैं। हेड टैग हमारा ओपन हुआ और फिर क्या करते हैं, अगर टाइटल देना है तो टाइटल आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे टाइटल टैग लगा लिया। ठीक है, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे हम टाइटल टैग अप्लाई कर लिए, टाइटल में जो कुछ देना है बिल्कुल आप दे सकते हो। टाइटल में सपोज दैट हमको क्या देना है, यहाँ पे हम आपसे अगर कह दें, ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल में कह सकते हैं स्ट्राइक टेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, किस चीज़ का हमको देना है, स्ट्राइक टेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल। ठीक है, स्ट्राइक टेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे, टाइटल टैग को बंद कर देंगे, टाइटल टैग हमारा क्लोज हो गया डियर। ठीक है, आप क्या करेंगे, टाइटल हमारा बंद हो गया, तुरंत हम हेड को बंद कर दें, हेड हमारा क्लोज हो गया। ओके, जैसे हमारा हेड क्लोज हुआ अब क्या करना है, बॉडी टैग ओपन कर लो, कौन सा टैग, बॉडी टैग, हमने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया। बॉडी टैग के अंदर हमको जो भी डिफाइन करना है, सपोज दैट मान लीजिए यदि आप हमें, ठीक है, यहाँ पे टाइटल में, ठीक है, इतना करने के बाद तो यहाँ पे हमने किया क्या, ध्यान से सुनना है, बॉडी टैग हमने ओपन कर लिया और बॉडी टैग में कोई भी चीज़, जैसे हमको पैराग्राफ बनाना है तो यहाँ पे हमने पी टैग लगा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पी टैग लगाया, पी टैग में हमको कोई भी मान लीजिए कि पैराग्राफ देना है तो यहाँ पे हम मान लीजिए पैराग्राफ में कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, तो पी टैग में हम पैराग्राफ देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्ट्राइक टैग को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, स्ट्राइक टैग को यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे, स्ट्राइक टैग को हमने अप्लाई कर लिया और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, सपोज दैट हमने लिख दिया यूनिक ग्रुप, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यूनिक ग्रुप। ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ पे क्या किया, यूनिक ग्रुप हमने कर दिया और स्ट्राइक को हमने इसी लाइन में क्या कर दिया डियर, तुरंत हमने क्लोज भी कर दिया, स्ट्राइक टैग को हमने यहीं पे बंद भी कर दिया भाई, जैसा कि हम लोग पिछले करते चले आए हैं, जहाँ पे ओपन होगा वहीं पे हम बंद कर देंगे। ठीक है, स्ट्राइक टैग हमारा यहीं पे बंद हुआ, स्ट्राइक टैग हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, जब ये हमारा बंद हो जाए, हेडिंग तो देना नहीं है, तुरंत क्या करेंगे, इसी लाइन में क्या करेंगे डियर, अपने हम पैराग्राफ को भी बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए पैराग्राफ को भी बंद कर देते हैं। अब क्या है, बॉडी आपका ओपन है, बॉडी बंद कर दीजिए,
बॉडी टेस्ट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए आप बिल्कुल, और लास्ट में एचटीएमएल बंद कर दीजिए। एचटीएमएल हमारा क्लोज हुआ। ओके, इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव कर लीजिए इसे। फाइल में जाना है, सेव ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए, रोहन रोहन डॉट एस टी एम एल, हमने यहाँ से सेव कर लिया। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इसको रन करा के, रोहन की फाइल कहाँ है भाई। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, प्ले कर लिया, और जैसे हमने प्ले किया देखिए स्ट्राइक हमारा जो टैग था यही हमारा दिखा कि नहीं, देखिए यूनिक ग्रुप में हमारा स्ट्राइक टैग काम किया है, ठीक है, यही तो हमारा इफेक्ट दिखा, यही क्या है स्ट्राइक टैग का इफेक्ट है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बताते रहेंगे और आप लोग इसका ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके डियर।